अब फतेह का होने वाला है सच्चाई से सामना, क्योंकि वो बताने वाला है तेजो को सब कुछ सच सच। लेकिन वहीं तेजो को भी हो जाएगा फतेह पर शक। दरअसल उडारिया में अब बहुत ही बड़ा धमाका होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि फाइनली अब फतेह तेजो से सब कुछ सच कह देगा कि उसके और जैस्मिन के बीच में क्या चल रहा है। दरअसल बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जैस्मिन ने आज फतेह के साथ बर्ताव किया, वो चाहती है कि वो जाकर, यानी कि फतेह जाकर तेजो को उनके बारे में सब कुछ सच बता दे। और जैस्मिन के खातिर ही अब फतेह ये फैसला भी कर लेगा कि वो घर जाकर तेजो से सब कुछ कह देगा, तेजो को सब कुछ सच बता देगा कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है और वो किस तरह से जैस्मिन से वापस मिल रहा है, उससे कई वादे भी कर रहा है। फतेह घर पहुंच जाएगा और तेजो से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि फतेह बात नहीं बल्कि तेजो पर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि फतेह को अभी भी खुद नहीं पता है कि उसे चाहिए क्या, क्या उसे वाकई तेजो चाहिए या फिर जैस्मिन। जैस्मिन से वो प्यार करता है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उस रात जब वो तेजो के साथ में था, वो रोमांटिक रात बिताने के बाद में फतेह तेजो को भी धोखा नहीं देना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि फतेह तेजो के बारे में सोच रहा है, वरना जैस्मिन तो अपनी खास बहन तेजो के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि आखिर उस पर क्या बीतेगी। लेकिन जैसे ही फतेह तेजो से सच बोलने लगेगा, लेकिन तभी तेजो को फतेह में से एक लेडी परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी और वो फतेह पर डाउट करेगी। यहाँ पर फतेह को आ जाएगा तेजो पर गुस्सा और वो चिल्ला देगा कि हाँ लेडीज परफ्यूम है, मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। और ये बात सुनकर तेजो बहुत ज़्यादा शॉक होने वाली है, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ तेजो फतेह को उसकी बहन के बारे में भी सच बताने की कोशिश करेगी। देखना होगा कि क्या तेजो फतेह को उसकी बहन के बारे में सब कुछ सच बताएगी, और सच जाने के बाद में क्या फतेह अपना फैसला बदल देगा, क्या वो तेजो को अपने और जैस्मिन के बारे में बता पाएगा या फिर नहीं, देखना होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या फतेह सच में तेजो को सब कुछ बता देगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवीप्स के साथ।